हाय फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवल फिटनेस। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को कैसे हम परफॉर्म करें। सो इसका मतलब होता है कि हम 30 से लेकर 40 सेकंड चुनेंगे और इस दौरान हम वर्कआउट करेंगे और इमिडिएटली एक्सरसाइज के बाद 15 से लेकर 20 सेकंड तक रेस्ट लेंगे और इस तरह करके 3 से 4 वर्कआउट को हम 3 से लेकर 4 सेट तक परफॉर्म करना है बैक टू बैक। बहुत कम टाइम के अंदर इसको हम परफॉर्म कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी कैलोरी बर्न होगा एंड एट द सेम टाइम यू कैन बर्न फैट एंड ऑल्सो यू कैन मेंटेन योर मसल मास और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड्योरेंस एंड पावर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे वर्कआउट को करना है और कौन सा मसल ग्रुप को कौन सा वर्कआउट से टारगेट करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। एंड आप अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए सो प्लीज़ डू द लाइक, और आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले वर्कआउट शुरू करते हैं पुशअप्स और वन आर्म रोइंग के साथ और इसको 40 सेकंड तक कंटिन्यू करेंगे। इससे अच्छे बैक मसल को टारगेट कर सकते हैं, शोल्डर और आर्म्स को, और एब्डोमेन को स्क्वीज करके रखेंगे स्पाइन की ओर और धीरे धीरे कंट्रोल के साथ इसको परफॉर्म करेंगे 40 सेकंड तक। अगर आप रेस्ट टाइम 20 सेकंड से ज़्यादा लेने चाहते हो तो वर्कआउट का जो टाइम पीरियड 40 सेकंड है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो और उसके साथ रेस्ट टाइम को भी इंक्रीज करेंगे। तो अब करेंगे सेकेंड वर्कआउट जो कि हाफ बर्पीज के साथ हैमर कर्ल। सो इस वर्कआउट से अच्छे टारगेट कर सकते हैं आर्म्स और बाइसेप मसल को और ये बहुत ही अच्छी इंटेंस और एडवांस वर्कआउट है। तो इस वर्कआउट को हम चुने तो इसको परफॉर्म करेंगे 40 सेकेंड तक। हमेशा ध्यान में रखना है कि जितना कंट्रोल के साथ परफॉर्म करना है। अगर बैक में, शोल्डर में, कहीं पे भी आपको कुछ भी डिफिकल्ट फील हो रहा है तो आप उस वर्कआउट को नहीं करना है, आपको दूसरा वर्कआउट करना है उस वर्कआउट को स्किप करके। तो अब करेंगे वेटेड हाई नीस। सो दोनों डंबल को हाथ में हैंग करके रखेंगे बाय द साइड ऑफ द बॉडी और हाई नीज करेंगे। नी को जितना हो सके ऊपर उठाएंगे और नीचे ड्रॉप करेंगे। जितना हो सकता है उतना ऊपर आप लिफ्ट कर सकते हो, पर कंटिन्यू करेंगे 40 सेकेंड तक। देन वी मूव टू द अदर वन। डंबल के सपोर्ट लेंगे और माउंटेन क्लाइंबर करेंगे। इससे अच्छे एब्डोमेन मसल को टारगेट कर सकते हैं, शोल्डर को भी, और इससे अच्छी शोल्डर स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। और बाय डूइंग दिस वर्कआउट कंटिन्यूसली ब्रीद आउट थ्रू द माउथ एंड टारगेट योर कोर मसल। एंड दिस इज़ द लास्ट वर्कआउट। सो पुशअप्स का स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाएंगे और वेट को पकड़ के रोटेट करेंगे अपर बॉडी को, और यहीं पे कंफर्टेबल वेट लेना है क्योंकि ज़्यादा वेट अगर लेंगे, अगर बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो नीचे गिरने की चांसेस बहुत ही हाई है और इंजरी का चांसेस भी बहुत ही हाई है। सो कंफर्टेबल वेट लेना है। अगर आप डंबल के ऊपर हाथ रख के नहीं कर पा रहे हो तो नीचे भी रख के आप कर सकते हो फ्लोर पे पाम को। तो इसको कंटिन्यू करना है। सो ये था आज का वर्कआउट। आप इसको 3 से लेकर 4 सेट तक प्रैक्टिस कर सकते हो एंड इन बिटवीन, जैसे कि मैंने कितना टाइम रेस्ट लेना है बोल चुका हूँ ऑलरेडी। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हो। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।